पति पत्नी में छोटी मोटी कहा सुनी तो होती रहती है। हाँ, हाँ बेटा, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास को खोना नहीं, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो इस रिश्ते को बांधे रखती है। माँ, आप आराम कर रही हैं? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, पर तुम सबसे दूर हो इसका बहुत अफसोस हो रहा है। यश, यश बेटा, तू खुश है ना? जी माँ, बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ, मिलकर बात करता हूँ। अच्छा बेटा, पर सुन, तू अकेले मत आना, आरती को भी लेकर आना। लाएगा ना वो? मम्मी जी, आप अपना ख्याल रख रही है ना? डॉक्टर का कहना मानिएगा और भरपूर आराम कीजिएगा। मैंने वैद्य जी से भी बात कर ली है, जब आप वापस आएंगी तो उनके दिए गए तेल से मैं आपके घुटनों की मालिश भी कर दूंगी। खुश रहो बेटा, अरे जब इतना ध्यान रखने वाले, सेवा करने वाले बहू बेटे हो तो दर्द भी घबरा के भाग जाएगा। अच्छा सुन बहू, बेटा अब मेरे यश को एक ऐसे बंधन में बांध ले जिससे वो तुझसे कभी नाराज होकर मुंह ना फेर सके। नहीं समझी? पकली कहेगी। बेटा अब हमें वो खुश कभी सुना दे जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे। हम तेरे और यश की संतान को अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। और तू देखना बहू, बच्चे के आने से तेरे और यश के रिश्ते में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मेरा यश फिर कभी नाराज नहीं हो पाएगा तुझसे, तो देखना। मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों जल्दी ही हमारी ये इच्छा पूरी करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। भगवान बहुत बड़ा उपकार किया है तूने इस बात पे। बस अब जल्दी से मेरे आरती बहू की गोद बिहारी कर दे। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं।
बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना। बस बहुत हो गई मस्ती, अब जाइए सो जाइए। क्यों सो जाए, पापा भी आए हैं ना, तो पापा के साथ भी खेलेंगे हम लोग। अंश मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है, सो जाओ। नहीं मम्मा, हमें खेलना है पकड़ा पकड़ी। पलक जिद मत करो, सुनाई नहीं दिया मम्मा ने क्या कहा? बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ। अब हम लोग खेलेंगे पकड़ा पकड़ी, बहुत मजा आएगा, याद है मुंबई में। बस अंश, सो जाइए आप दोनों। मम्मा क्यों नाराज हो गई? वो तो हमेशा हमारे साथ खेलती है, तो आज पापा के इतने नाराज क्यों हो गए? इतने उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मामा नाराज नहीं है बेटे, थक गई होगी इसलिए खेलने से मना कर दिया। कल हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे, ठीक है? अब जल्दी से सो जाओ, पापा आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? ओके। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ परी, जयेश भाई और आरती भाभी के बीच में जो भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। कितने नाराज थे ना यश भैया, और अब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तुम्हें पता है यश भैया और आरती भाभी की तरह हमें भी अपनी पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। जो झगड़ा बहस जो मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में है उन्हें याद रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ सिर्फ एक ही बात याद रखनी होगी कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया और करते रहेंगे, आज से बल्कि अभी से प्यार भरी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और मैंने तो सोच लिया कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा बल्कि उससे कई ज्यादा जितना कि आरती भाभी यश भैया से करती हैं। चलो आरती भाभी और यश भैया के कारण ही सही तुम्हें मुझ पे प्यार तो आया, वरना प्रति मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी लव मैरिज हुई है। परी आज भी नाइट शूट है, हाँ प्रतीक, एक्चुअली डायरेक्टर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने नाइट शिफ्ट रख दी है और मैं मना भी नहीं कर पाई, क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। अच्छा जाने से पहले यश भैया और आरती भाभी से मिलते हुए जाना, वो क्या है ना बॉक्सिंग कंपटीशन के वक्त पूरी फैमिली उनके साथ थी और तुम नहीं, और जब घर आए तब भी उनके वेलकम के लिए नहीं थी तुम। तो चाहते क्या हो तुम? मैं अपना सारा काम छोड़कर अपना शूट छोड़कर घर बैठकर यश भैया और आरती भाभी का तमाशा देखूं? तमाशा? और नहीं तो क्या प्रतीक? प्रतीक आई डोंट अंडरस्टैंड कि यश भैया की प्रॉब्लम क्या है, उनकी पहली बीवी को गुजरे हुए इतने साल हो गए तो उन्हें भूल क्यों नहीं जाते? आरती भाभी के साथ उनकी शादी हुई है ना तो उन्हें अपना क्यों नहीं लेते वो? और यश भैया जब अपनी पहली बीवी को भूल नहीं पा रहे तो आरती भाभी यहाँ पर क्यों है, चली क्यों नहीं जाती अपने घर? प्रतीक जिस रिश्ते में प्यार का नामो निशान नहीं उसे घसीटने का क्या फायदा? ये शादी ना कर कोई मजबूरी हो गई क्या? Just stop it, परी। तुम जैसी लड़की क्या जाने की शादी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? प्यार रिश्ते ये कुछ वर्ड्स हैं तुम्हारे लिए। यश भैया की दूसरी शादी हुई थी वो भी अरेंज मैरिज, उसके बावजूद भी उनके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना परी। God! थक गई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देते। सवाल ना करूं तो और क्या करूं मैं परी? तुमसे यही कहा ना मैंने कि आरती भाभी की तरह बन जाओ या उनकी परछाई की तरह। बट आई एम सॉरी परी, तुम इन चीजों से कोसों दूर हो, यू आर सेल्फिश परी, तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल है और दूसरों का नहीं।
तुमने मुझे सेल्फिश कहा प्रतीक? मुझे? क्या अपने सपनों को पूरा करना खुदगर्जी है? नहीं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को भूल जाना वो स्वार्थ है मिस परिधि खन्ना। ओ, तो अब मैं मिसेस प्रतीक सिंधिया से मिस परिधि खन्ना बन गई, राइट? ओके, अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे सेल्फिश क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे तो कोई सपने हैं ही नहीं और न ही उन्हें पूरा करने की कोई लगन। तुम तो अपने भाइयों की परछाई हो, जो जिंदगी भर भैया भैया कह के अपना सर झुकाते और उनके बैग्स लेके उनके पीछे पीछे घूमते रहते। वाह, कम से कम आज साथ सामने तो आया। यही इज्जत है ना तुम्हारी नजरों में अपने हस्बैंड की? यही सोचती हूँ ना तो मेरे बारे में? हाँ, यही सोचती हूँ। सच कह रही हूँ मैं प्रतीक, और सच कड़वा होता है। जस्ट गेट आउट बड़ी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चिल्लाओ मत प्रतीक, जा रही हूँ। मेरी आने से पहले तो आरती जी बहुत खुश थी बच्चों के साथ, मुझे देखते ही अजीब ढंग से बिहेव क्यों करने लगी? बच्चों से इस तरह कभी बात नहीं करती थी वो, आज क्या हो गया? आज मन ना होते हुए भी मुझे बच्चों पे नाराज होना पड़ा, और करती भी क्या? मुझे खुद को आपसे दूर रखना ही होगा यश जी। आपकी खुशी के लिए मुझे अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा, क्योंकि मैं जान गई ये आप नहीं चाहते कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता रहे, इसीलिए मैं इस घर में सिर्फ बच्चों की माँ बनकर रहूंगी। जी पर उसका भी असर नहीं हुआ, हमेशा की तरह डर भी नहीं लगा उन्हें। आखिर बात क्या है, ध्यान कहां है आरती जी? दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे? दिल की है कैसी मजबूरियां, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां, कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं।
तुम्हारे वापस आने से घर की रौनक लौट आई है आरती। सच कहूं तो बहुत अकेली पड़ गई थी मैं यहाँ, लेकिन अब हम देवरानी जेठानी मिलकर बहुत सारे गप्पे मारेंगे। अगर जेठानी देवरानी को मंजूर हो तो मैं भी गप्पों में शामिल हो जाऊं। क्या है कि मुझे भी बहुत गप्पे लड़ाने का मन हो रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा गायत्री जी की कोई खबर? कैसी तबीयत है उनकी? मेरी बात हुई थी उनसे, ऑपरेशन के बाद आराम कर रही हैं। आरती और यश भैया से भी बात हुई उनकी, बहुत खुश हुई। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं भी बस मंदिर ही जा रही थी भगवान को प्रसाद चढ़ाने और धन्यवाद देने की, इतनी खुशी की खबर दी है हम सबको। गायत्री जी और मैं। माँ आप चाय पियेंगे? फोन बज रहा है, आप बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आरती, तूने घर वालों को बताया नहीं कि तू मां बनने वाली? यश जी को भी नहीं? क्यों आरती क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, यश जी का पश्चाताप भी पूरा हो गया है, तू अपने घर वापस लौट कर आ गई है, तो फिर कौन सी बात है जो तुझे रोक रही है? देख आरती, मैंने पहले तुझे रोका था कि अभी तू यश जी को कुछ मत बता, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, यश जी को किसी बात की शिकायत नहीं है, अब तो तुझे बता देना चाहिए। देख आरती, पहले ही हम लोगों ने इन लोगों से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। उनसे छुपाया है कि तेरा पहला पति प्रशांत अभी भी जिंदा है। बार बार यही बात मेरे मन को कचोटती है कि कहीं सच का किसी दिन सामना हो गया तो। तुझे भी तो ये दुख तकलीफ देता है ना, मनी मन कोसती रहती है तू खुद को। ऐसे में आरती, यश जी से एक और बात छिपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में फिर से कोई परेशानी आए। जा बेटा जा, जा और जाकर बता दे यश जी को कि तू माँ बनने वाली। माँ मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ? समझ में नहीं आ रहा है, जब उन्हें बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब तो जानती है ना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो कितने अपसेट हैं। अपने आप को किस तरह सजा दे रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे, और अब अगर उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो। माँ इतनी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ है, यश जी वापस से मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि यश जी खुश रहे, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तुझे जब लगे कि सही समय आ गया है, हालात ठीक है, तो ये बात बता देना। और हाँ आरती, ज्यादा देर मत करना, चलो मैं चलती हूँ, मंदिर जाना है मुझे। न जाने कब हालात ठीक होंगे और कब मैं सबको बता पाऊंगी कि मैं। लो, जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। डॉक्टर का फोन आया था, वो कुछ दवाइयां बताना चाहते हैं, कुछ टॉनिक लेने की सलाह दी है, और चेकअप के लिए तुझसे मिलना भी चाहते हैं। तुझे एक दो बार फोन भी किया था पर तूने फोन ही नहीं उठाया। मोबाइल कहाँ है तेरा? यही तो है। माँ फोन तो रूम में रखा है, और यश जी भी रूम पे ही है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ये डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली तो उन्हें।